बिल्किस बानो को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिल्किस बानो को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गोधरा कांड के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पिलानी में आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। यह विरोध प्रदर्शन गुजरात सरकार के एक निर्णय जिसमें 2002 में बिल्किस बानो से रेप करने के 11 आरोपियों को 15 अगस्त के दिन रिहा करने के खिलाफ किया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जो फांसी की सजा के हकदार हैं, जिन्होंने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, उनके परिवार के लोगों की निर्मम हत्या की, उन्हें रिहा कर सरकार ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। जो सरकार संस्कृति की दुहाई देती है, उसकी असली संस्कृति का पर्दाफाश हो गया है। ऐसे संगठनों पार्टियों का जनता को खुलकर विरोध करना चाहिए, जो बलात्कारियों के साथ खड़े हों और उनकी फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हों। ऐसे संगठनों का जनता क्या करेगी? भाजपा की केंद्र सरकार और गुजरात सरकार का नंगा चरित्र जनता के सामने आ गया है। इनका अब जनता को खुलकर विरोध करना चाहिए। गोधरा कांड के अंदर जो 11 अपराधी थे, जिन्होंने बिल्किस बानो का जो बलात्कार किया, उनकी माँ और बहनें और एक छोटी सी बच्ची के जो हत्यारे हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उनको फूलों की माला और तिलक और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। तो हमारा संगठन ये मांग करता है, हमारा संगठन बिल्किस बानो के साथ में संघर्ष कर रहा है और ये तब तक रहेगा जब तक इनको वापस जेल में नहीं डाल दिया जाता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि महिलाओं के मान सम्मान के साथ हम खड़े हैं, और उसी वक्त गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारों पर बिल्किस बानो, जो 21 साल की उस समय महिला थी, उसके साथ बलात्कार होता है, उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाता है, उसकी 3 साल की बच्ची को पीट पीट कर पत्थर से और मार दिया जाता है उसकी आंखों के सामने, और वो उस समय प्रेग्नेंट थी। उन अपराधियों को एक कानून के तहत, जिसमें सजा देने के बाद माफ़ी होती है, उन ऐसे खूंखार अपराधियों को, इन्होंने घिनौने अपराध किया, उन अपराधियों को बीजेपी की गुजरात सरकार उनको बाइज्जत रिहा करती है, और उसके अंदर जो कमेटी है रिकमेंड करती है इस बात को कि इनको माफ़ी दिया जाए, उसमें 5 बीजेपी के सदस्य हैं। ये देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, ये बार बार एक मैसेज आ रहा है कि हम लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट बार बार दिखा रही है। तो एक सभ्य समाज के अंदर ये जो घटना हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं, और ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ऐसी जो राजनीति करते हैं, उन लोगों के साथ कतई समाज को खड़ा नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसे संगठनों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब लोगों को जो सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, उन लोगों को, इन अपराधियों को। और यहाँ मैं एक बात और कहूँगा, कुछ समय पहले एक घटना घटी थी दिल्ली में बलात्कार की, तब पूरे देश के अंदर एक माहौल हुआ था कि बलात्कारी जो है, सभी लोग, संगठनों ने मांग करी थी कि बलात्कारियों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो समाज में क्या संदेश जाएगा, उसके खिलाफ संदेश जा रहा है। हम इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं और ज़बरदस्त विरोध करते हैं, क्योंकि बलात्कारियों को छोड़ा गया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको वापस जेल में डाला जाए और इनको फांसी से कम सज़ा ना दी जाए, ताकि एक समाज में उदाहरण बने। और समाज में, पूरे देश के अंदर आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये फैसला सरकार को वापस लेना पड़ेगा और इनको फांसी देनी पड़ेगी और इनको जेलों में डाला जाएगा। तो ये पिलानी में राजगढ़ रोड पर एक विरोध प्रदर्शन AIDYO के माध्यम से किया जा रहा है। देश में भाजपा की सरकार अपने आप को संस्कृति की दुहाई देती फिरती है, वही आज अपराधियों के साथ खड़ी नज़र आ रही है। तमाम जो सरकारें हैं, वो ना तो सड़क पर कहीं इस मामले पर विरोध प्रदर्शन करती हुई खुलकर दिख रही हैं, वहीं भाजपा के नेता लोग हैं, वो भी इन बलात्कारियों के साथ में खड़े हुए नज़र आते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री जब महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं, और एक तरफा जब गुजरात में बलात्कार करने वाले अपराधियों को खुला छोड़ देती है, तो उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क नज़र आता है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है।
कैमरामैन प्रशांत के साथ में दीपक दहिया, द इंक न्यूज़, पिलानी।